आईआईटी रुड़की के एक प्रोफेसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से हड़कंप मच गया है। वहीं प्रोफेसर का शव बंद कमरे में मिला है, जो कि पिछले एक हफ्ते पुराना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही प्रोफेसर के परिजनों को सूचना भी दे दी है, लेकिन अभी तक परिजन नहीं पहुँच पाए हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक प्रोफेसर कैलाश चंद्र गुप्ता अविवाहित थे, जो कि आईआईटी रुड़की में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में तैनात थे। वहीं कैलाश चंद्र गुप्ता मूल रूप से झांसी के रहने वाले थे। एसपी देहात का कहना है कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल परिजनों का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद शव को उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा। आईआईटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कार्यरत थे श्री के सी गुप्ता जी, और लास्ट जो इनकी बात 4 तारीख को अपने घर में हुई थी, ये अविवाहित थे और यहाँ रह रहे थे, इनका जो प्रांगण है उसके बाद से ये नहीं देखे गए थे। जब कल पड़ोसियों ने जब इनका घर में देखा कि वहाँ से कुछ बदबू आ रही है, तब उसे खोला गया, तब पता लगा कि इनकी डेथ हो चुकी थी। मृत्यु के कारणों का पता तो पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा, और हम सारे जो तथ्य हैं उनको सामने रखते हुए इसमें छानबीन भी कर रहे हैं। हाँ, परिजनों को सूचित कर दिया, वो भी आ रहे हैं, और जो भी आगे जो कार्रवाई होगी पीएम रिपोर्ट के बाद ही की जाएगी।